जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली के कस्बा खतौली में 4 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम की ईंट से पीट पीट कर हत्या की गई है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मासूम बच्ची कल शाम से लापता थी। परिजनों ने खतौली पुलिस को लापता होने की सूचना दी थी, जिसके बाद मासूम का शव एक खाली पड़े प्लॉट से बरामद हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा खतौली का है, जहां पर एक खाली पड़े प्लॉट में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची का लहूलुहान शव बरामद हुआ है। मासूम का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं बच्ची के शव के पास से ईंट और पत्थर भी पड़े हुए मिले हैं। मासूम की ईंट से पीट पीट कर हत्या की गई है। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की माने तो मासूम बच्ची कल शाम से लापता थी, जिसकी सूचना उन्होंने खतौली पुलिस को भी दी थी। सूचना मिलने पर खतौली पुलिस और मृतका के परिजनों ने घंटों की मशक्कत के बाद मासूम बच्ची का लहूलुहान शव एक खाली प्लॉट से बरामद किया था। मासूम के शव के पास से ईंट और पत्थर भी मिले थे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, जहां मासूम बच्ची के हथियारों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने खतौली कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। जी, मैं काम पे गया हुआ था। बच्ची 6:30-7 बजे के करीब घर से पैसे लेकर निकली दुकान पे चीज लेने के लिए। जब बारिश वो तूफान आया तो लाइट भाग गई, और फिर बच्ची जब 10-15 मिनट नहीं मिली तो बच्चे हमारे घरवाली और हमारे छोटे भाई की घरवाली वो ढूंढने निकली, उसको नहीं मिली। तो मैं जब उधर से भाग काम पे से आया तो मेरे को पता चला कि बच्ची गायब हो गई। तो मेरी साथ और 2-4 मोहल्ले वाले, हमने काफ़ी ढूंढा, नहर पे भी ढूंढा, कॉलोनियों में ऐलान भी करवाया, हर मस्जिद में ऐलान करवाया, रोडवेज तक देख के आए हम, हमको बच्ची नहीं मिली। फिर हम नहर को इधर भैंसी के पुल की तरफ को नहर पे को आके थाने में आए। थाने में आके हमने यहाँ से मालूम किया कि जिसे तो पुलिस वाले खड़े थे यहाँ से, नो जी मगर कोई बच्ची लेकर आया क्या? उन्होंने कहा यहाँ कोई बच्ची नहीं लेकर आया, मगर जो आए तो बिठा लेना आप। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो हम जैसे ही चले तो हम थाने के पीछे वाली गली में जा रहे थे, तो वहाँ से हमारे वालिद साहब मिले। मैंने मोटरसाइकिल पर वालिद साहब को बिठाया, मैं दूसरे रास्ते से निकला, मगर कभी इधर को मिल जाए। बच्ची कहाँ मिली फिर आपको? फिर बच्ची मिली हमारे घर के पीछे, एक मकान है उसके पीछे। किस कंडीशन में थी बच्ची? जी, किस कंडीशन में थी बच्ची? इस कंडीशन में थी बच्ची, खून एक तरफ पड़ा था, ईंट पड़ी थी और बच्ची पर गिर रखी थी कोई 4-5 फुट आगे, उस पर दीवार पर जो खून के छींटे भी पड़े हुए हैं जैसे सुबह देखा। क्या लग रहा है आपको, किसने किया है? जी, हम किसी का इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि किसने किया है, किसने नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में? जी, इन्होंने उठाए हैं किसी बच्चे के बिना पर एक लड़के को गिरफ्तार किया है। हम इस बारे में नहीं जानते, यो इनका काम है का कि इन्होंने गिरफ्तार किया है। अब तो ये तहकीक करेंगे कि ये चोर है या सही है। करीब 4 वर्ष की बच्ची थी और इसके घर वाले ऐसा बताते हैं कि शाम को 7 बजे खाना खाकर भी ये 1 रुपया लेके मार्केट से कुछ आइसक्रीम या टॉफ़ी लेने के लिए निकली, फिर वो घर नहीं लौटी। फिर लोग ने ढूंढा उसको, उसी वक्त आंधी आ गई। वो बता रहे हैं कि आंधी फिर में गायब हो गई और फिर 1 घंटे बाद वो मिली, तो मृतावस्था में मिली। प्राइमरी उसी देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या की गई सर पर ईंटा मार, बाकी तफ्तीश जारी। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।